बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे RMX के बारे में। RMX आपको पता है कि डिलीवरी की कंपनी है और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे इसके बारे में। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप अगर दुबई में आएँ, अगर आपके पास लाइसेंस होता है और अगर आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कोशिश क्या कीजिए कि लाइसेंस लेने के बाद आप अच्छी कंपनीज़ को, अच्छी जो डिलीवरी की कंपनीज़ हैं उनको आप ज्वाइन किया करें। जैसे अमेज़न हो गया, जैसे नून हो गया, जैसे RMX हो गया, जैसे DHL हो गया। तो ये कंपनीज हैं, ये आपको सैलरी भी अच्छी देती हैं, अच्छा फैसिलिटेट करती हैं आपको, आपको एंड ऑफ सर्विस मिलती है, आपको सैलरी अच्छी मिलती है, तो आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, अगर आप के पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो। बट इसमें यह है कि आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना थोड़ा ज़रूर होनी चाहिए। तो RMX की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए RMX जैसे मैंने पहले भी कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी है, लोग सैलरी का पूछ रहे थे। तो देखिए, आजकल जो RMX है वो आपको सैलरी जो ऑफ़र कर रहा है, बेसिक 2000 इनकी सैलरी है। जैसे सिक्योरिटी की बेसिक 1200 है, उसके बाद अबू धाबी में जैसे सिक्योरिटी की 2000 सैलरी है, तो इसी तरह RMX की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो 2000 दिरहम है। उसके बाद इनकी जो डिलीवरी की कुछ इनके परसेंटेज होती हैं, इनकी पर डिलीवरी का भी इनको कंपनी देती है। तो अगर आप पर मंथ अगर आप इनकी एवरेज सैलरी लगाएं RMX एम्प्लॉय की, तो ये 4000 to 4500 4800 ये बन जाती है, आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। इसमें ये होता है कि आपको कंपनी अकोमोडेशन ऑब्वियसली आपको कंपनी नहीं देती, कंपनी आपको फूड नहीं देती, फूड तो ऑलमोस्ट कोई भी कंपनी आपको दुबई में नहीं देती। तो इसमें यह कि आपकी अकोमोडेशन अपनी है, आपका खाना अपना है, बट ये है कि RMX आपको गाड़ी देती है, फ्यूल देती है। तो ये है कि अगर आप अपनी अकोमोडेशन लेते हैं तो ये है कि आपको आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, गाड़ी आपके पास रहती है। उसके बाद अगर हम लोग एंड ऑफ सर्विस की बात करें, तो अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं 4 साल 5 साल 2 साल, तो पर ईयर के हिसाब से आपको बेसिक सैलरी मिलती है, यानी कि 2000 बेसिक सैलरी पर ईयर आपको एंड ऑफ सर्विस मिलता है। उसके बाद अगर आप छुट्टी जाते हैं, छुट्टी 1 साल बाद आपको एक सैलरी मिलती है। अच्छा, सैलरी आपको बेसिक नहीं मिलती, 3000 से 3500 दिरहम ये लोग आपको देते हैं 1 साल बाद, और उसके बाद आपको अप एंड डाउन टिकट भी देते हैं। तो मोस्टली जैसे सैलरी का मैंने पहले भी बताया कि बेसिक 2000 है, उसके बाद डिलीवरी का हिसाब है, कमीशन बेस्ड इनका काम होता है। तो उसके बाद जो मैंने आपको एवरेज सैलरी बताई है वो आपकी 4000 से लेके 5000 तक इसके दरमियान बन सकती है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो RMX के बारे में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।